Hello all of you. Fine. Well, in today's class, we are going to learn about article writing and आपका मेरे इस चैनल अंजनी इंग्लिश लिंगुआ में बहुत बहुत वेलकम है. ओके फाइन. तो आज की क्लास में हम लोग फुल्ली सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम आर्टिकल को लिखते हैं. आर्टिकल लिखना आसान है. बहुत सारे बच्चे जैसे ही ओ आर्टिकल राइटिंग आ गया क्वेश्चन छोड़ देते हैं. बाप रे बाप, नहीं काम करना ऐसा. क्यों? कारण कि छोटे छोटे स्टेप्स पे आपको मार्क्स मिलते हैं इस पे. और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक टिल द वेरी एंड ऑफ दिस क्लास इफ यू वॉच दिस वीडियो आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव फुल मार्क्स. ओके फाइन. कहां मार्क्स कटेंगे, कहां मार्क्स मिलेगा, वो सब बताते चला जाऊंगा. आपको बस सिर्फ ध्यान से इसको वॉच करना है. तो सबसे पहले आप देख रहे हो आर्टिकल, इट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड. बेसिकली दिस साइड यू आर वॉचिंग, ये फॉर्मेट है आर्टिकल की. तो इसमें आर्टिकल राइटिंग लिखा हुआ है, टॉपिक है, ठीक है. तो आर्टिकल राइटिंग में क्वेश्चन दिया रहेगा. ये क्वेश्चन आपको देखे जाएगा क्या, बहुत सारी चीजें, सारे स्टेप्स है ना, सब क्वेश्चन भी देखे जाएगा. अब देखो सुटेबल टाइटल डालना. सपोज आपका क्वेश्चन दे दिया है एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ हिंट्स दिए रहते हैं. तो एयर पॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे. चलो भाई हमारा एयर पॉल्यूशन इन द वे. आप पेज के बीच में अपनी टाइटल लिखना, फर्स्ट की लाइन छोड़ देना, यहाँ पे लिख देना है एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन ठीक है. चलो भाई हमने एयर पॉल्यूशन लिख दिया. अब कहोगे कि सर टोटल कैपिटल में ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं. आप टोटल कैपिटल में लिख भी सकते हो या फिर रनिंग लेटर में. तो रनिंग लेटर में जब आप लिखते हो तो एक बात का ध्यान देना कि हर लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल डालना, बाकी रनिंग. पॉल्यूशन का पी कैपिटल डालना, बाकी रनिंग लेटर. अब एक रूलर की सहायता से यू हैव रूलर की सहायता से यू हैव रूलर रूलर की सहायता से पेंसिल से जस्ट इसके नीचे से एक लाइन मार देना है. अच्छा लगेगा दिखने में, कोई कंपल्सन नहीं है. फाइन. अब क्या करना है, ये पहले तो क्या क्या हमने पेज के हमारा जो आंसर का शीट का पेज है उसके बीचों बीच हमने ये टाइटल लिख दिया, हेडिंग लिख दिया. और इसके बाद एक इस तरह से आप एरो बना लेना, नहीं भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है. एरो बना देने से क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है. आपने लिख देना है बाय. बाय क्यों लिखना है, क्योंकि जो भी राइटर है आर्टिकल का उसका नाम जस्ट टाइटल के बाद यानी हेडिंग के बाद आपको डालना होता है. तो बाय रामानुजन. ठीक है, लिख दिया. तो इससे क्या मिला आपको, वन मार्क्स. चलो भाई एक मार्क्स की कमाई आपकी हो गई. अब बात है कि बाकी मार्क्स मिलेंगे कि नहीं. अरे मिलेंगे ना. तो सबसे पहले तो हो गया. अब क्या करना है कि एक लाइन आपको छोड़ देना है, वो बॉडी से स्टार्ट यहां से शुरू किए. एक काम हमने कर दिया है, वन मार्क के लायक. अब बाकी का काम करे ना. फाइन. तो इंट्रोडक्शन देना है. इंट्रोडक्शन में ये ईयर पॉल्यूशन क्या होता है उसको दिखाना है. तो देखो अब ईयर पॉल्यूशन द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस in the air is called air pollution. चलो भाई इंट्रोडक्शन तो हो गया है ना. ये इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं. इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोडक्शन शुरू कर दी. इंट्रोडक्शन बेसिकली एक या एक से अधिक लाइन होनी चाहिए. उसमें अगर आप कोटेशन डाल देते हो बहुत अच्छा, इट्स योर चॉइस है ना.
कोटेशन डाल देने से क्या होता है कि आपकी शुरुआत अच्छी हो जाती है, कोई कोटेशन, कोई भी कोट, किसी की भी कोट, ठीक है। सो अब हम एक कोटेशन डाल देते हैं यहां पे, एयर मेक्स फेयर, मेक्स आर लाइफ फेयर। चलो कॉटेशन भी डाल दिया, आप कुछ डाल सकते हो अपने मन से। अब बात आती है क्या इंट्रोडक्शन तो हो गया, चलो भाई अब एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में जो एयर पॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में ये जो इंट्रोडक्शन आपने दिया है ना, द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, एयर मेक्स आवर लाइफ फेयर, इसी को थोड़ा खींचना है, एक्सपेंड करना है, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करना में आप देखो काउसेस लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाता है काउसेस, CAUSES, काउसेस, ठीक है ना। अब काउसेस में डालना है, इसके लिए आपको एक पैराग्राफ छोड़ देना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन आप देखो मैं छोड़ दिया, द फैक्ट्री which in the sample of our economical progress। चलो भाई एक काउस हो गया, दूसरा काउस हमारी फटपटी यानी टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक बाइक, ठीक है, फोर व्हीलर्स एटसेट्रा आर द बेसिक कॉज ऑफ क्या टाइटल एयर पॉल्यूशन। देखो ये सभी चीजों को मैंने डेवलप करा है, जो पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, जैसे ये क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन एयर पॉल्यूशन, आप कर दे देता बाइक, फोर व्हीलर, ये सब दे देता, फैक्ट्री ये डाल देता, इसी को मैंने ये डेवलप किया है, कुछ किया नहीं है, आपको भी ऐसे ही करना। चलो भाई इसको हो सकता है आप दूसरे कारण भी लिख सकते हो, जैसे एलपीजी सिलेंडर यह कारण नहीं है, जैसे हम अपने घरों में अगर ओल्ड बेस मेथड से जब हम कोई कुक करते हैं, कोई बनाते हैं खाना, जैसे लकड़ी का बनाना, काव रंग केक का यूज करना, इन सभी चीजों से धुआं निकलता है, यह भी हमारे एयर को पॉल्यूशन करता है, फाइन। तो इसकी जगह अब देखो तो काउसेस पे लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब और कौन से कारण है एयर पॉल्यूशन के, रिक्वायर है तो डाल दो, रिक्वायरमेंट में क्या डाल देना है, देखो भाई द एटॉमिक एक्सप्लोजिव, ठीक है, एक कारण एटॉमिक एक्सप्लोजिव हो गया, दूसरा and many a time the chemical
फ्यूम्स इमिटिंग कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्री आर ऑल्सो द कॉजेस. चलिए कॉजेस तो लिख दिया, कॉजेस हो गया हमारा. अब कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या है इसकी भैया, क्या कैसे इसको हमको ये करना है. तो देखो अब रिजल्ट ये तो मैं अब इरेज करने लायक हो ही गया हूं, ऐसे इरेज कर दे रहा हूं. फाइन, देखो अब कॉन्सिक्वेंस में क्या है, कॉन्सिक्वेंस परिणाम ये डाल देना है और उसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में वही मेजर्स डाल देना, क्या करने से ये ठीक हो जाएगा. और ये मजे की बात क्या है पता है, ये सभी चीजें आपके हिंट्स में डाली रहेंगी. हिंट्स को ज्यों का त्यों मत उतार देना, उसको देख के डेवलप करना है. अब देखो इफ द कंडीशन इज नॉट इंप्रूव्ड then our ear will become totally impure to breathe in. These are the consequences. अब क्या करना है, अब हमें करना है क्या कि भाई इसको क्या स्टेप, क्या मेजर्स. देखो कंक्लूजन में, कंक्लूजन में रिमेडीज या मेजर आता है, रिमेडीज या मेजर्स. तो क्या मेजर्स आप लगा रहे हो, क्या उपाय लगा रहे हो कंक्लूजन में, रिमेडीज या मेजर डाल दो टू स्टॉप दिस ईयर पोल्यूशन. We must plant more trees. है ना? We must plant more trees. ज्यादा से ज्यादा trees plant करने चाहिए. ठीक है. We follow. We must follow. लिखोगे ना? तो mask कट जाएगा ना आपका. We must follow the rules of the green shelter belt strictly. बस हो गया, ये आपने मेजर्स डाल दिया. ठीक है, अब लास्ट में कोई कोटेशन डाल देते हो, बहुत अच्छा. Plant more trees. अब quotation को किसमें डालना है, हाँ inverted comma. Plant more trees. Tree will make your life pollution free. हो गया, pollution free. बस दैट्स इट ओनली. तो इस तरीके से आप अपना जो आर्टिकल की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो. नो डाउट, ऐसा नहीं है कि मैंने जो पॉल्यूशन पे एक टॉपिक दे दिया यही आएगा. मैंने आपको एक डेवलपमेंट बताया कि किस तरह से आपको टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद बाय राइटर का नाम लिखना है, इंट्रोडक्शन करना है वन और टू लाइन में. अगर आप उसमें कोटेशन डाल देते हो बहुत अच्छा है भाई, कोटेशन डाल के शुरू करते, तो वहीं से आपको मार्क्स मिलना, मार्क्स की बरसात होनी शुरू हो जाती है. और पैराग्राफ छोड़ करके तो इंट्रोडक्शन और जस्ट उसके बाद किस कारण से ऐसा हुआ, या फिर कोई टॉपिक है उसके फायदे या नुकसान. जैसे आपका ट्री प्लांटेशन दे दिया, तो ट्री प्लांटेशन में फायदे क्या है उसके, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, इन चीजों को लिखना है. फाइन, और अपने से कुछ कोटेशन डाल दोगे आप तो आपकी मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल हो रही है.
ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. बाय ऑल ऑफ यू.